हेलो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ये आपके BCA सेकेंड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर है MGKVP के अकॉर्डिंग। यही सेम पेपर आपको BBA और BCOM में भी देखने को मिलता है। आपके बाकी हर एग्ज़ाम की तरह ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका 75+25 मतलब 75 एक्सटर्नल होता है, 25 आपका इंटरनल मार्क्स होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, फाइनेंशियल जो वर्ड आया है यहाँ पे, ये शब्द आया है फाइनेंस से, ठीक। फाइनेंशियल मतलब वह चीज़ वित्तीय जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, ठीक। फाइनेंस का एक अर्थ हो गया वह चीज़ जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, वित्तीय। और अकाउंटिंग का मतलब होता है वह प्रोसेस जिसमें हम उसका लेखा जोखा रखते हैं, उसका हिसाब किताब रखते हैं। तो इसका मतलब है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब हो गया वह प्रोसेस जिसमें हम पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, ठीक। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक, इसको हम क्यों करते हैं, वाई, और हम इसको कैसे करते हैं, हाउ, ठीक, व्हाट, वाई एंड हाउ, इसी तीन चीज में यह पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। बस हमें यही तीन चीज़ जाननी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, हम इसको क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। अगर हम ये तीन क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं तो यह हम पूरा सब्जेक्ट ख़त्म कर लेंगे, 100 मार्क्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए धीरे धीरे हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो हमारा सबसे पहला यूनिट है वो है यूनिट 1, ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब किसी भी चीज़ को देखना, मतलब उसका इंट्रोडक्शन समझना, उसका बैकग्राउंड समझना, ठीक। तो हम सबसे पहले उसका ओवरव्यू समझेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। दूसरे में हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे। देखिए, जैसे अकाउंटिंग है उसको मैंने बताया कि लेखा जोखा, उसका हिसाब किताब रखना। हिसाब किताब रखने के कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ एक स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग देखते हुए अपना हिसाब किताब रखते हैं। जैसे डबल एंट्री सिस्टम है, जर्नल है, लेजर है। लेजर वो किताब होती है जिसमें हम अपना हिसाब किताब लिखते हैं, ठीक, उसके बारे में जानना है। रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानना है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे आते जाएंगे इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा आपका यूनिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो भी हिसाब किताब हम लिखते हैं, मतलब जितना आय हुई मतलब इनकम और जितना खर्च हुआ मतलब एक्सपेंडिचर, उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इसको हम आय और खर्च को बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। उन सब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके जो चीज़ हमारे सामने आती है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे करना है हम इसके बारे में सीखेंगे। हमारा थर्ड यूनिट है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि नेचर क्या है उसका और उसका ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है, हम क्यों कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सीखेंगे। फिर हम कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल सीखेंगे। कैपिटल एक यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है, कैपिटल का मतलब राजधानी से नहीं है। यहाँ पे कैपिटल का अर्थ है वह पूंजी जिससे आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, या वह पूंजी जो आपका प्रॉफिट और लॉस निकलने के बाद आपके पास बचता है, जो आपकी अपनी कमाई होती है वो होता है कैपिटल। इसके बारे में बहुत सारा, इसका मतलब कई सारी अकाउंटिंग प्रोसेस में इन सब टर्म्स का मतलब बदलता जाएगा, मैं आगे आके आपको समझाऊंगा। और सिक्स्थ यूनिट है कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री ये सब अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि ये सब कैसे होता है, फिर आपको ये सब सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगे, ठीक है। इसी 6 यूनिट में आपका सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक। सबसे पहला यूनिट हमने जैसे बात की थी ओवरव्यू, आपका सबसे पहला यूनिट है यूनिट 1, ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक। तो आइए अब हम यहाँ ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहले समझिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक तरीका है। किस चीज़ का तरीका है? प्रेजेंटेशन का और इंटरप्रिटेशन का, ठीक। प्रेजेंटेशन का और इंटरप्रिटेशन का। प्रेजेंटेशन मतलब किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, उसको दिखाना, प्रस्तुत करना, ठीक। प्रेजेंटेशन का क्या मतलब हो गया? प्रस्तुतिकरण। और इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब हो गया? किसी चीज़ को समझाना, इंटरप्रेट करना, ठीक। उस चीज़ को समझाने का, प्रस्तुत करने का और समझाने का। किस चीज़ के? फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ अ कंपनी, ठीक। किसी कंपनी के
फाइनेंशियल रिजल्ट्स को समझाने का और दिखाने का एक तरीका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और ये क्या समझाता है और दिखाता है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। समझ में आया फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? यह एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? प्रेजेंट करता है और इंटरप्रेट करता है। प्रेजेंट करता है मतलब प्रस्तुत करता है, और इंटरप्रेट करता है मतलब उसके बारे में बताता है। ठीक, यह फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो कि प्रस्तुत करता है और बताता है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है कि क्या कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक, किसी भी कंपनी के प्रॉफिट या लॉस को बताता है। ठीक है, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। बहुत आसान है। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसा, अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। तो ये पैसे का हिसाब किताब रखने का तरीका है किसी भी कंपनी का, और इसी हिसाब किताब के तरीके से हम समझ पाते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, तो डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर है। एक मैंने लिंक नीचे अटैच किया है, उसमें जो बुक है उस बुक का पूरा PDF बना हुआ है। उस बुक में बहुत सारे अलग अलग फाइनेंस इकोनॉमिस्ट और इनके हिसाब से अलग अलग डेफिनेशंस हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। आप वो सारी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो याद करने वाली है आप उसको याद कर लीजिएगा। और नीचे लिंक में सारा पूरी बुक का PDF अपलोडेड है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर क्या है। नेचर का क्या मतलब है? ये कैसा है, ये क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसा दिखता है, क्या होता है, उसका नेचर क्या है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। मॉनेटरी शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। मॉनेटरी शब्द का क्या मतलब है? मॉनेटरी का मतलब होता है वह चीज़ जो पैसे से जुड़ी हो, समथिंग रिलेटेड टू MONEY, मनी। ठीक, समथिंग रिलेटेड टू मनी। देखिए एक चीज़ और है, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, जो थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर हैं, शब्द सुनते हैं पर समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप अपनी खुद की एक छोटी सी डिक्शनरी बनाइए इंग्लिश टू हिंदी। ऐसे ऐसे इंग्लिश के शब्द लीजिए जिसका मतलब आपको नहीं पता है। मैं यहाँ पे हर छोटे से छोटे शब्द का अर्थ बताता हूँ, आप उसको पीछे कहीं पे लिखते जाइए साथ साथ। जैसे मैंने बताया मॉनेटरी, मॉनेटरी का मतलब क्या है? पैसे से संबंधित। ठीक, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? लेन देन। ठीक, तो आप ये सारे शब्दों को आप वीडियो पॉज कर लीजिए, पीछे उसका लिख लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक, इससे क्या होगा, जब भी आप अगली बार जब अपने नोट्स पढ़ेंगे, अपनी बुक पढ़ेंगे और कहीं ये शब्द आएगा मॉनेटरी, आप पीछे खोल के देख लेंगे, अच्छा हाँ पैसे का लेन देन। ठीक, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक, तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है? ये एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है। मॉनेटरी का क्या मतलब है? पैसे का लेन देन होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिर्फ पैसे से संबंधित चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिस चीज़ में पैसा नहीं आता है वो आपके अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। जैसे मैंने श्याम को 10 रुपये दिया तो वह मेरे खाते से श्याम के अकाउंट में चला गया, तो वो रिकॉर्ड हो सकता है कि मैंने मेरे खाते से 10 रुपये कटा और श्याम के खाते में 10 रुपये गया। पर मैंने श्याम को पढ़ाया या मैंने श्याम को हंसाया या मैंने श्याम पे कोई एहसान किया तो उसको आप अपने अकाउंट में नहीं मेंशन कर सकते या किसी भी अकाउंट में मेंशन नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला नेचर क्या है कि इट शुड बी मॉनेटरी इन नेचर। इसमें पैसे का लेन देन ही सिर्फ रिकॉर्ड हो सकता है। दूसरी चीज़ है डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक, डिस्क्लोजर का क्या मतलब है? देखिए डिस्क्लोजर जो शब्द है ये आया है डिस्क्लोज से। डिस्क्लोज क्या है? एक चीज होती है क्लोज मतलब बंद करना, डिस्क्लोज मतलब खोलना। ठीक, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस मतलब या वो प्रॉफिट में है या वो लॉस में है, उसको डिस्क्लोज करने का काम करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बहुत सीधी सी बात है, मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा, उसको 90 रुपये में बेच दिया, तो मेरा अकाउंट क्या बताएगा? 10 रुपये का नुकसान। इससे मेरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस कैसा पता चल जाएगा कि अरे तो बड़ी ख़राब कंपनी है, लॉस में है। वही मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा, 200 रुपये में बेच दिया, 100 रुपये का
प्रॉफिट बताएगा मेरा अकाउंट, तो क्या होगा, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या दिखाएगा, कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट करती है। तो डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस कैसे पता चलता है, अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, ठीक। तीसरा है हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल इन नेचर का क्या मतलब होता है, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी खाते में जो भी ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन रिकॉर्ड होता है वो ऑलरेडी घट चुका होता है, वह पास्ट में ऑलरेडी हो चुका होता है, कोई भी फ्यूचर एंट्री आप अपने खाते में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैंने श्याम को 10 रुपये दे दिया, ठीक, तो वो चीज़ खाते में रिकॉर्ड की जा सकती है कि ऋषभ सर ने श्याम को 10 रुपये दिया, ठीक, ये आपके खाते में रिकॉर्ड हो सकता है, अकाउंट में रिकॉर्ड हो सकता है कि 10 रुपीज़ डेबिटेड फ्रॉम ऋषभ एंड क्रेडिटेड टू श्याम, ठीक। बट श्याम मुझे 10 रुपये देगा, अनलेस एंड अनटिल श्याम मुझे 10 रुपये दे नहीं देता तब तक हम इसको अपने अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ पास्ट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, ये नेचर में हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक होता है। थर्ड, एक दो तीन हो गया, चौथा पॉइंट है लीगल रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बहुत सही बात है, लीगल रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या किस काम आती है। मान लीजिए कि आपने मुझे, श्याम ने मुझे 100 रुपये दिया, अब अगर वह मेरे अकाउंट में 100 रुपये मेंशनड है तो मैं उसको एज अ लीगल यूज़ कर सकता हूँ। कल को श्याम बोले कि नहीं मैंने 100 नहीं 200 दिया है, तो मैं उसको अपने लीगल प्रूफ की तरह यूज़ कर सकता हूँ अपने अकाउंट को, कि ये देखिए अकाउंट में श्याम ने मुझे 100 रुपये दिया, ये मेरे अकाउंट में सेव है, ये मेरे अकाउंट में लिखा हुआ है, ठीक। सेकेंडली, जो भी हम टैक्स पे करते हैं, जो भी हम अपना टैक्स पे करते हैं वो भी इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे ही टैक्स पे करते हैं। जैसे हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी, बहुत सारे प्रकार के टैक्सेस हैं जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो वो हम किस चीज़ पे करते हैं, कि मैंने इस साल में इतना प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट के हिसाब से मेरा इतना टैक्स बना। साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया और कितना टैक्स पे करेंगे, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, हमारे फाइनेंशियल अकाउंट पे, हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। तो ये क्या है, ये हमारी लीगल रिक्वायरमेंट भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इसको अपने शौक के लिए फाइनेंशियल अकाउंट बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, ये हमारे लिए लीगली भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, एक्सटर्नल यूज़ के लिए काम आता है। एक्सटर्नल यूज़ का क्या मतलब है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं एक्सटर्नल यूज़ को, कि मान लीजिए कि मैं एक कंपनी हूँ, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक, मैं श्याम के पास गया और श्याम से कहा कि श्याम मुझे 1 लाख रुपए दे दो, जब मैं पैसा कमाऊंगा तो उसमें से 10% हर साल तुमको दिया करूंगा। श्याम ने बोला ठीक है आप ये 1 लाख ले लो और हर साल 10% मुझे देना, ठीक। अब मेरी कंपनी उस 1 लाख पे पैसा कितना कमा रही है और कितने पैसे का 10% मुझे श्याम को देना है, ये चीज़ कैसे पता चलेगी, एग्जैक्टली आपके फाइनेंशियल अकाउंट से ही पता चलेगी कि कंपनी का प्रॉफिट कितना निकला और उस प्रॉफिट का 10% जो श्याम को जाना है वो कैसे जाएगा। इसी तरह से शेयर होल्डर्स को उनके शेयर का प्राइस बढ़ता घटता है, जो भी एक्सटर्नल आपके वो हैं इन्वेस्टर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उन सबको भी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के बारे में कैसे पता चलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के से ही पता चलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूज़ में भी आता है। एक्सटर्नल मतलब क्या है, बाहरी। बाहरी कौन लोग हैं, जैसे इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, तो ये सब चीज़ें प्रॉफिट में है, लॉस में है। अगर किसी को आपने अपने प्रॉफिट का 10% ऑफर किया है तो वो प्रॉफिट कितना है, वो सारी चीज़ें हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चलती है। उसके आगे क्या है, इंटरिम रिपोर्ट। इंटरिम रिपोर्ट का क्या मतलब है, इंटरिम जो शब्द है, इंटरिम का मतलब होता है इंटरमीडिएट, मतलब इट्स नॉट फाइनल। इसका मतलब क्या है, यह भी बीच की रिपोर्ट है, ठीक, एक लमसम, एक उम्मीद है, अभी ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, अपनी इंटरिम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, एक लमसम रिपोर्ट बना सकते हैं कि
हमारी कंपनी कैसी चल रही है, हमें अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उस पर सेल्स पे क्या डिफरेंस आ रहा है, तो इन सब चीज़ों की एक इंटरिम रिपोर्ट बनाई जा सकती है। किसकी मदद से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से। एंड लास्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या मतलब है, इसकी जो पूरी पढ़ाई है, जो इसका पूरा प्रोसेस है, इसको भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मदद से ही कर सकते हैं। इसको सीखना, इसको रिकॉर्डिंग, इसका इंटरप्रिटेशन, इसका प्रेजेंटेशन, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको सीखने के लिए भी हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना ज़रूरी है। ठीक, तो मेरे हिसाब से नेचर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा हो चुका है। इसका जो भी नोट्स है वो नीचे PDF में अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। आप नोट्स बनाना चाहो तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्कोप का क्या मतलब है? स्कोप आपने बहुत सुना होगा, अरे BCA कर लो बहुत स्कोप है, BTech कर लो बहुत स्कोप है, फार्मेसी कर लो बहुत स्कोप है। स्कोप का क्या मतलब है? स्कोप शब्द का मतलब होता है कि आपका यह चीज़ कितनी जगह पे प्रयोग हो सकता है। BCA कर लो बहुत स्कोप है, स्कोप का क्या मतलब है कि BCA कितनी फील्ड्स में आगे चल के आपको फ़ायदा दे सकता है, इस्तेमाल हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके स्कोप की? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्कोप की। स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ यह फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस्तेमाल की जा सकती है, इसका क्या स्कोप है। फर्स्ट, बिजनेस फॉरकास्टिंग में इस्तेमाल की जा सकती है। बिजनेस फॉरकास्टिंग का क्या मतलब? देखिए, बिजनेस का मतलब आप समझ गए, जो बिजनेस इंसान करता है, धंधा। ठीक, फॉरकास्टिंग, फॉरकास्टिंग एक शब्द है, इसको आप फिर से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। फॉरकास्टिंग जो शब्द आता है, ये आता है फॉरकास्ट से। ठीक, फॉरकास्ट इसी से मिलता जुलता एक शब्द है जो बहुत कॉमन है, जो शायद आपने बहुत सुना होगा, ब्रॉडकास्ट। जैसे क्रिकेट मैच ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक, ब्रॉडकास्ट मतलब हर जगह पे एक समान दिखना। ठीक, एक ही समय पे कई जगहों पे दिखना, तो क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट। फॉरकास्ट मतलब समय से पहले, जो घटित नहीं हुआ है उससे पहले उस चीज़ को देख लेना, तो उसको हम कहते हैं फॉरकास्टिंग। ठीक, ये शब्द आया है कहाँ से? फॉरकास्ट से। फॉरकास्टिंग का मतलब जो चीज़ घटित अभी नहीं हुई है उसको देख लेना, भविष्य देख लेना या भविष्य को भांप लेना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहाँ काम आता है? सबसे पहले तो बिजनेस फॉरकास्टिंग में, मतलब बिजनेस में आगे आपका फ्यूचर दिखा देता है। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मान लीजिए आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, आप TV पंखा बेचते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो आपको ये चीज़ उस अकाउंट में देख के समझ में आ जाएगा कि देखिए, दिसंबर के महीने में हमने 100 हीटर बेचा था और मई के महीने में हमने 100 कूलर बेचा था। तो अब अगर फरवरी चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें अब धीरे धीरे 100 कूलर की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले वर्ष इसी समय पे हमने 100 कूलर बेचा था। और अगर हीटर है तो हमें अब और हीटर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हीटर नहीं बिकेगा, अब कूलर ही बिकेगा। ठीक, तो ये तो बहुत आसान है जानना अगर आपकी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। बट अगर आप इसी चीज़ को एक बहुत बड़े बिजनेस में देखिए तो उसमें फ्यूचर देखना और बहुत आसान हो जाता है अगर आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो समझ में आ गया कि फ्यूचर में, बिजनेस में फ्यूचर कैसे देखा जाता है, फॉरकास्टिंग कैसे की जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से। ठीक, तो दूसरा पॉइंट है आपका प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है? देखिए, एक छोटे से एग्जांपल से इसको भी समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि किसी भी निर्णय को लेने में आपको मदद करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग का हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। ठीक, आपने यह चीज़ तो समझ ली कि पिछले साल मई के महीने से आपके यहाँ हीटर बिकना बंद हो गए थे और कूलर बिकना शुरू हो गए थे। अब अगर आपके पास पिछले वर्ष का फाइनेंशियल अकाउंट है तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि मई के महीने में मैंने 40 कूलर बेचे थे, जून के महीने में मैंने 20 कूलर बेचे, जुलाई के महीने में मैंने 40 कूलर बेचे, तो मतलब लगभग मुझे 100 कूलर की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी का इस्तेमाल करके आप इस वर्ष भी 100 कूलर का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने आपको क्या मदद की? आपको प्रॉपर डिसीजन लेने में मदद की कि आपको कूलर तो बेचना है पर कितने बिकेंगे लगभग, उसका एक लमसम एक हिसाब दे दिया। इसी चीज़ को अगर हम बड़े लेवल पे सोचें तो मान लीजिए कोई कंपनी है,
उसको इस साल और एम्प्लॉयज़ हायर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, अगर वो हायर करेगा तो क्या उसके पास इतना पैसा होगा कि उनकी सैलरी दे सके या ना दे सके। तो इन सब चीज़ों का हिसाब किताब लगाने में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है और प्रॉपर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। थर्ड है करेक्ट टैक्सेशन। करेक्ट टैक्सेशन का क्या मतलब है? देखिए, आपको पता है कि हम सब की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गवर्नमेंट को अपने टैक्स सही से पे करें। ठीक, टैक्स कई प्रकार के होते हैं भाई, इनकम टैक्स होता है, साथ में GST होता है या कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं। ये सब चीज़ किस पे डिपेंड करती हैं कि हमने कितना सामान बनाया, कितना सामान बेचा, उसमें से कितना प्रॉफिट कमाया। अब हमने कितना सामान बनाया, कितने में बेचा और कितना प्रॉफिट कमाया, ये सारी चीज़ें हमको कौन बताएगा, हमें कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के माध्यम से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें बताएगा, हमारा जो अकाउंट होगा, हमारा जो अकाउंटेंट होगा, वो हमें ये बात बताएगा कि हमें इस वर्ष इतने का प्रॉफिट हुआ है और इस प्रॉफिट के अनुसार हमें इतना टैक्स पे करना होगा। चौथा पॉइंट है रिप्लेसिंग मेमोरी। बहुत सही पॉइंट है, कि सही बात है, आपने कितना कमाया, किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने लेने हैं, कितने का आइटम बना था, कितने का बिका है, ये सब कुछ कहीं याद नहीं रह सकता। ये क्या होता है, अगर आपके पास लिखा हुआ है तो किसी एक व्यक्ति को या किसी को भी इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं। आपको जब ज़रूरत हो आप पन्ना पलट के देख सकते हैं कि पिछले महीने कितना कमाया था, पिछले साल कितना कमाया था, 5 साल पहले कितना कमाया था, यह हर चीज़ें आपके फाइनेंशियल अकाउंट में लिखी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी मेमोरी को रिप्लेस कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। बहुत सही है, सीधी बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहाँ इस्तेमाल होती है, बिजनेस कैसा चल रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, धीमे प्रॉफिट कमा रहा है, तेज प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है, लॉस में जा रहा है, ये सब चीज़ें आपके बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसको कौन एनालाइज करता है, आपका फाइनेंशियल अकाउंट एनालाइज करता है। आपका जो अकाउंट का लेखा जोखा होता है वही बताता है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, अगर प्रॉफिट में है तो कितने प्रॉफिट में है, लॉस में है तो कितने लॉस में है, उसको प्रॉफिट में कैसे बदला जा सकता है, ये चीज़ भी फाइनेंशियल अकाउंट आपको बताता है। ठीक, नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है। फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है कि अगर प्रॉफिट में है तो कितने प्रॉफिट में है, लॉस में है तो कितने लॉस में है, अगर उसने प्रॉफिट बनाया है तो कितनी तेज़ी से बनाया है, लॉस में गया है तो कितनी तेज़ी से लॉस में गया है। ठीक, ये परफॉर्मेंस में एनालाइज होता है, और फाइनेंशियल स्टेटस में प्रॉफिट है या लॉस है, सीधा ये एनालाइज होता है। ठीक, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में भी यह यूज़ होता है। एविडेंस का क्या मतलब होता है? सबूत। डॉक्यूमेंट्री का क्या मतलब होता है? लिखा हुआ। ठीक, मतलब डॉक्यूमेंट्री शब्द की एग्जैक्ट हिंदी तो मुझे नहीं ध्यान आ रही है, डॉक्यूमेंट्री शब्द संबंधित है डॉक्यूमेंट से, डॉक्यूमेंट करना किसी चीज़ को, मतलब उसको लिखित रूप में ले लेना। ठीक, उसको लिखित रूप में ले लेना, वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट। तो ये किसी भी सबूत को डॉक्यूमेंट करने के काम आता है। बड़ी सिंपल चीज़ है, आपने कोई सामान बेचा, ठीक, आपने कोई सामान बेचा, या मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से सामान उधार पे लिया, ठीक, और उसके बाद जब पैसा देने की बारी आई तो अब आप मुकर रहे हैं कि नहीं, मैंने तो लिया ही नहीं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी कि आपने लिया था, आपने इतने का पैसा लिया, इतना बेचा, इतना पैसा आपके पास बचा, ये सब कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं? ये आपके फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। आपके फाइनेंशियल अकाउंट में सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और आगे चल के ये एविडेंस के स्वरूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बहुत ही कॉमन, आजकल आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, आय से अधिक संपत्ति। ठीक, आय से अधिक संपत्ति है इनके पास, इनके पास जिसको हम लोग कहते हैं इनकम मिसमैच हो रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं कि इनके पास, इनकी तो इतनी आय ही नहीं है जिससे ज़्यादा इनके पास संपत्ति है, आपके फाइनेंशियल अकाउंट से पता चलती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन रियलाइजेशन ऑफ डेब्ट। डेब्ट का क्या मतलब है? कर्ज। ठीक, डेब्ट का क्या मतलब है? कर्ज। रियलाइजेशन का क्या मतलब है?
कि आपको बोध कराती है कि आप कितने कर्ज में हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आपके पास है तो उसमें आपके लोन्स भी लिखे होते हैं कि आपने इतने का लोन लिया हुआ है, ठीक। तो ये आपको अपने लोन्स का, अपने डेब्ट का, अपने कर्ज का समय समय पर बोध कराती रहती है, ठीक है। प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने सारे अकाउंट सही से क्रिएट किए हैं तो यह आपको फ्रॉड से भी बचाता है। कैसे बचाता है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक कैशियर रखा है अपने दुकान पे, ठीक। अब आपको यह बात पता है, आपको आपने आपके फाइनेंशियल अकाउंट ने ये बात बताई है कि आपके दुकान में जो टोटल सामान है वो 2 लाख का है, ठीक। जब आपका कैशियर पूरा सामान बेचने के बाद आपको पैसे ले आके देता है तो आपको पता है ये बात कि मेरे पास ये जितना सामान है बिकने के बाद 2 लाख रुपए का होगा। और कैशियर जब आपको सामान ले आके, मतलब सामान बेचने के बाद पैसा ले आके देता है तो वो मान लीजिए 1.5 लाख रुपए देता है, तो आप उससे कह सकते हैं ना कि तुमने 50,000 का फ्रॉड किया है, मेरा 50,000 कहाँ है। क्यों? क्योंकि मेरा फाइनेंशियल अकाउंट ये कह रहा है कि ये सारा सामान बिकने के बाद 2 लाख का होना चाहिए था। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल अकाउंट आपका मेंटेन्ड है तो आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल अकाउंट ही नहीं है, आप ये अकाउंटिंग का प्रोसेस फॉलो ही नहीं करते हैं, तो आपको कभी ये पता नहीं चल पाएगा। वो आपको लमसम कुछ भी बता देगा कि यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, वहाँ चला गया, अरे वो आया था, वहाँ खर्च हो गया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, इतना ही बचा है, आप इतना ही ले लीजिए। तो ऑफकोर्स आप फ्रॉड से नहीं बच सकते, ठीक। द लास्ट पॉइंट इज हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट होता है उसको बहुत ही हेल्पफुल होता है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कैसे हेल्पफुल होता है? मैनेजमेंट का काम क्या होता है? वर्कफोर्स हायर करना, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करना, प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना, सेल्स बढ़ाना। अगर आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग मजबूत है, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि इस वर्ष हमको कितने का फ़ायदा होगा। जैसा मैंने बताया, आप फॉरकास्ट कर सकते हैं कि पिछले वर्ष हमने इतना रुपए लगाया था तो इतने का फ़ायदा हुआ था, इस वर्ष हमने इतना लगाया है तो इतने का फ़ायदा होगा। उस फायदे के हिसाब से आगे चल के क्या हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ाने चाहिए, अपनी मार्केटिंग बढ़ानी चाहिए, अपने सेल्स पर्सन बढ़ाना चाहिए, ये सारे डिसीजंस जो मैनेजमेंट लेता है उसमें उसको बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक। तो इसी के साथ, इन 10 पॉइंट के साथ हमने फाइनेंशियल अकाउंट का स्कोप भी समझ लिया है। अब हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और इस चैप्टर को और आगे लेके चलेंगे, ठीक। अगर हम अपना सिलेबस देखें एक बार पीछे घूम के, तो यूनिट 1 ओवरव्यू, इसमें हमने मीनिंग एंड नेचर समझ लिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, स्कोप समझ लिया है, और हाँ स्कोप तक समझ लिया है। अब हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस समझना है, जो हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक। तो हम लोग धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई फील रियली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।